हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केलॉइड के बारे में कि केलॉइड का सर्जरी के द्वारा, लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे इलाज किया जाता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हैं, देखो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसका दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, चोट की रक्षा और मरम्मत के लिए घाव पर एक केलॉइड का निशान या उत्तक या रेशेदार उत्तक या स्कैर टिश्यू फाइब्रोसिस टिश्यू के रूप में परिचित हो जाता है। ये त्वचा की चोट के समय होता है। कुछ मामलों में ये निशान स्कैर टिश्यू की वृद्धि होती है जो केलॉइड के रूप में जाना जाता है। चिकनी और कठिन विकास होता है। ये निशान स्कैर टिश्यू या घाव से काफ़ी बड़े हो सकते हैं। केलॉइड्स आमतौर पर गाल, कान, कंधे, छाती पर पाए जाते हैं। हालांकि ये निशान स्कैर टिश्यू शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये स्कैर टिश्यू आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन कॉस्मेटिक कंसर्न तो विकसित कर सकते हैं। जब आप केलॉइड के निशान हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि शरीर की खूबसूरती को डिस्टर्ब करते हैं। जब आपके केलॉइड के निशान हो जाते हैं तो माना जाता है शरीर को स्वयं ठीक करने का प्रयास था, लेकिन उपचार करना एक मुश्किल काम हो सकता है। निशान या स्कैर टिश्यू को हटाने के बाद ये दोबारा शुरू हो सकते हैं और कभी कभी बड़े आकार में भी बढ़ते हैं। केलॉइड से जुड़े कई ट्रीटमेंट हैं, इसमें सूजन कम करने और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन शामिल होते हैं। रेडिएशन थेरेपी कम करने के लिए भी श्रिंक केलॉइड सर्जरी, स्कैर टिश्यू को हटाने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट, सिलिकॉन जेल पैड या चोट के बाद दबाव या स्किन सेल्स को मारने के लिए टिश्यू या फ्रीज करने के लिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे केलॉइड का इलाज कैसे किया जाता है। क्लासिक सर्जन, सर्टन फैमिली फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट, थेरापेटिकल रेडियोलॉजिस्ट की मदद के साथ केलॉइड के निशान या स्कैर टिश्यू को डायग्नोसिस और उपचार करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या इंट्रालेसिनियल स्टेरॉइड इंजेक्शन को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ये आमतौर पर दर्दनाक होते हैं। आमतौर पर इंजेक्शन को हर 4 से 8 सप्ताह में स्क्वायर टिश्यू पर एक बार लगाया जाता है ताकि फ्लैटन करने में मदद मिल सके। स्टेरॉइड इंजेक्शन सुपरफिशियल ब्लड वेसल की उत्तेजना या स्कैर टिश्यू को रेडर बनाने के लिए होती है। इस उपचार के बाद केलॉइड पिछली स्थिति की तुलना में बेहतर दिख सकता है, लेकिन यहाँ तक रिजल्ट के बाद इलाज में हुई जगह आसपास के एरिए की तुलना में थोड़ा अलग दिखेगा। हम तो दिखेगा, महसूस करेंगे। केलॉइड स्पंदित डाई लेज़र प्लस ट्राई लेज़र के उपयोग से चपटा किया जा सकता है, जो स्टेरॉइड के उपचार में कम लाल दिखता है। ये उपचार आमतौर पर सुरक्षित और कम दर्दनाक होता है, लेकिन कई उपचार सत्रों की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी तरफ केलॉइड की सर्जिकल विधि या ट्रीटमेंट निशान या स्कैर टिश्यू को काटने से जुड़ी या सर्जन प्रभावी होने के घाव की स्पीटिन लगाते हैं, कंपैरिजन इंजेक्शन स्टेरॉइड लगाने से सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। सर्जिकल एक्सीशन के बाद ट्रीटमेंट काफ़ी प्रभावी पाया जाता है। केलॉइड्स के ट्रीटमेंट के लिए ये सुरक्षित और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। केलॉइड के ट्रीटमेंट के लिए कौन पात्र है, इलाज कब किया जाता है? एक व्यक्ति जिसको पुरानी या गंभीर बीमारी नहीं है ये ट्रीटमेंट करा सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो अपने स्कैर टिश्यू को हटाना चाहता है, सॉफ्ट त्वचा चाहता है, ऐसे लोग इसकी सूची में शामिल हैं। उपचार के लिए कौन पात्र नहीं है? बच्चे, गर्भवती महिला जिनको बहुत गंभीर बीमारी है, इस बीमारी को अभी तक इलाज नहीं हुआ तो इलाज नहीं करा सकते। पुरानी बीमारी से प्रभावित लोग केलॉइड के इलाज के लिए एलिजिबल नहीं है। क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है? आम साइड इफ़ेक्ट में इलाज की गई जगह पर सनबर्न, सूजन,
चलन स्काफिंग चलन सनसनी लालसा बर्निंग सेंसेशन शामिल हैं। साइड इफेक्ट में रेयर साइड इफेक्ट के मामले त्वचा में पिगमेंटेशन में बदलाव आएगा। पोस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है? लेज़र की रिफ्रेशिंग या रेडिएशन थेरेपी इलाज के बाद मरीज़ को खुजली या फिर इचिंग या रोज स्वेलिंग हो जाएगी तो आपको अपने डॉक्टर की इलाज की हुई जगह पर मलम लगाने के लिए कहेगा तो आपको पूछेगा इसका इलाज की हुई जगह पे वाटर टाइट या एयर टाइट ड्रेसिंग के साथ कवर करना पड़ सकता है। दर्द को दूर करने के लिए आपका डॉक्टर आपको राहत के लिए कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन दवाएं देगा। आपको सूजन और लाली के लिए इलाज की हुई जगह पर बर्फ पैक भी लगाना चाहिए। यदि आप इलाज की हुई जगह के रंग या बनावट के साथ कुछ अजीब या असामान्य देखते हैं, दर्द ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। ठीक होने में कितना समय लगता है? स्केयर टिश्यू लाल होने पर ठीक होने में लगभग 6 से 8 सप्ताह लगते हैं। स्टार इंजेक्शन कंटिन्यूस थेरेपी स्टेरॉइड इंजेक्शन रेडिएशन सर्जरी के साथ लगातार इलाज किया जाता है। दोस्तों भारत में इलाज की कीमत क्या है? उपचार की कीमत 30,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच है भारत में यानी इंडिया में। क्या ये ट्रीटमेंट परमानेंट है? छोटे या स्मॉल केलॉइड्स आसानी से कई अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है। आमतौर पे इफेक्टेड एरिया में स्टेरॉइड इंजेक्शन की सीरीज या स्टेरॉइडल इंजेक्शन लगवाना सबसे सुरक्षित और आसान ट्रीटमेंट में से है। पेशेंट को ये समझना ज़रूरी है कि स्केयर टिश्यू पूरी तरह से गायब नहीं होगा लेकिन निशान कम या फ्लैटर या लेस सिम्पटोमेटिक बन जाएगा। बड़े घाव का इलाज करना अधिक कठिन है। ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या हैं, विकल्प क्या है? मॉइस्चराइजिंग तेल या इंटरफेरन क्रायोथेरेपी और केमोथेरेपेटिक इंजेक्शन जैसे ब्लोमाइसिन और फ्लोरोसिल्स। मॉइस्चराइजिंग ऑयल्स लाइक ब्लोमाइसिन या फ्लोरोसिल केलॉइड के इलाज के लिए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मेथड है। दोस्तों पीपल आल्सो आस्क अक्सर पूछे जाने सवाल में कि केलॉइड तेज़ी से हटाने के लिए कैसे करें। तो लहसुन ने अतिरिक्त फाइब्रोब्लास्ट प्रसार को रोकना है जिसकी वजह से केलॉइड बढ़ता है। इसके साथ ही ये इफेक्टेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे केलॉइड को जल्दी दूर किया जा सकता है। केलॉइड का सबसे अच्छा इलाज क्या है? तो सबसे आम उपचारों में ट्रीटमेंट में एंट्रोलेसनल या टॉपिकल स्टेरॉइड या क्रायोथेरेपी सर्जिकल एक्सनेशन रेडियोथेरेपी लेजर थेरेपी शामिल है। ये गतिविधि केलॉइड्स के मूल्यांकन और ट्रीटमेंट और इसकी स्थिति वाले पेशेंट को मैनेज करके इसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करती है। क्या सर्जरी से केलॉइड हटाया जा सकता है? केलॉइड सर्जरी आपकी स्किन स्पेशलिस्ट या शल्य चिकित्सक द्वारा केलॉइड को काट सकता है। हालांकि ये एक स्थायी समाधान की तरह लग सकता है लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये ट्रीटमेंट के बाद लगभग 100% केलॉइड वापस आ जाते हैं। सर्जिकल हटाने के बाद केलॉइड दोबारा लौटने का जोखिम कम करने के लिए अधिकांश पेशेंट में सर्जरी के बाद दूसरा ट्रीटमेंट होता है। केलॉइड बनने में कितना समय लगता है? आपकी त्वचा पर चोट लगने के बाद केलॉइड के पहला सिम्टम देखने में 3 से 12 महीने या इससे अधिक समय लगने की संभावना है। पहले संकेत आमतौर पर त्वचा का मोटा होना। लगभग 20% केलॉइड निशान चोट लगने के 1 वर्ष से अधिक समय बाद दिखाई देते हैं। दोस्तों केलॉइड के लिए कितने स्टेरॉइड इंजेक्शन लगते हैं? यदि सर्जरी के बाद हाइपर ट्रॉफिक निशान या केलॉइड विकसित हो जाता है तो त्वचा विशेषज्ञ हर 4 से 6 सप्ताह में स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं जिससे इंजेक्शन की कुल संख्या 5 तक सीमित हो जाती है। प्रक्रिया में लगभग 15 मिनट लगते हैं और अक्सर एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं होती। केलॉइड वापस क्यों आते हैं? अगला सवाल ये है, केलॉइड निशान की पूर्ण वृद्धि का उपयोग के लिए उपचार के प्रकार या आधार पर भिन्न हो सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि केलॉइड निशान फिर से आने के आकार या व्यक्ति के केलॉइड विकसित करने की कारण को भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो केलॉइड के उपचार प्रक्रिया और लागत साइड इफेक्ट और केलॉइड का लेजर ट्रीटमेंट। हमने आपको पूरी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।